दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक मॉडल के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। इस एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया गया है। मोदी ने इस दौरान इस रोड पर करीब 6 किलोमीटर तक रोड शो किया है। तो भारत के इतिहास में एक और एक्सप्रेसवे जुड़ गया है। ये दिल्ली और मेरठ को जोड़ने का काम करेगा। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके साथ ही नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। तमाम लंबे काफिले के साथ में इस रोड शो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये बड़ी खबर इसी एक्सप्रेसवे की आ रही है। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब एक्सप्रेसवे बनाने का चलन लगातार जारी रहेगा 2019 तक। लेकिन यह ऐतिहासिक पल, जैसा कि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं कि तकनीक हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे का मॉडल हो, अगर देश को समर्पित करते हैं तो उसका जायजा लेने का खुद वो सोचते हैं कि खुद वो उसका जायजा ले। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा अमृत, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, पारा 40 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन उत्साह भी उतने ही ज्यादा जोरों शोर पर उसी जो पारा है जो लोग में है उनमें भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लोग यह मोदी मोदी का उच्चारण कर रहे हैं और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस रोड शो की खासियत यह भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, लेकिन इस बार क्योंकि ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं रोका जाएगा। जो आम जन है वो भी अलग लेन के साथ में आप सफर करते रहेंगे, उनका आना जाना लगा रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लेन में रोड शो कर रहे हैं उसके बगल में ही जो लेन जा रही है वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट लगातार जारी है। जो लोग हैं वो बकायदा पहुंच रहे हैं। 40 डिग्री का टेम्परेचर क्यों ना हो अमृत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उत्साह में कमी आ रही है यहाँ पे लोगों की। भारी मात्रा में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इस हाईवे के इर्द गिर्द मौजूद है।